हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर हीट का पार्ट टू, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू और योर समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. अब अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे घर में अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है या हमारी तबीयत खराब होती है तो हम टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज होता है, जिसको हम बीमारी में यूज करते हैं, वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को अगर आपने कभी देखा हो तो आपने अगर उसको ध्यान से नहीं देखा हो तो आप एक बार थर्मामीटर को ध्यान से देखो। आप अपने थर्मामीटर को हाथ में पकड़ो और उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो या किसी और की हेल्प से यू कैन फाइंड अ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ऐसे लंबा सा कांच की एक ट्यूब सी होती है, उसके आगे यहाँ पर आप देखोगे एक सिल्वर कलर का बल्ब सा होता है। ये सिल्वर कलर का जो बल्ब होता है इसमें मर्क्यूरी फेड होता है, इसलिए वो सिल्वर कलर का दिखता है। और यहाँ पर सेंटर में एक लाइन जाती है और यहाँ पर सारे टेम्परेचर्स लिखे रहते हैं सेल्सियस स्केल में और फेरनहाइट स्केल में। और यहाँ से आगे जो है वो एक सिल्वर सी लाइन दिखती है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाती हुई दिखती है, उस वो होता है मर्क्यूरी थ्रेड। और मर्क्यूरी जो है वो थ्रेड लाइक उतना ही दिखेगा जितना आपका टेम्परेचर होगा। दैट इज, यहाँ से जब आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो यू विल फाइंड कि मर्क्यूरी जो है वो ऊपर जा रहा है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना मर्क्यूरी ऊपर जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो मर्क्यूरी जो है वो नीचे आ जाएगा। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale, indicated by degree C. अब अगर आपने कभी अगर आप कभी वो मर्क्यूरी थ्रेड को नहीं देख पा रहे हो तो थर्मामीटर को थोड़ा सा मूव करके देखो, क्योंकि वो एक साइड से ही दिखता है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से दिखता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो अगर वो आपको नहीं दिख रहा होगा तो वो दिखने लगेगा। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर पे स्केल मेंशन्ड होता है, वो स्केल जो होता है उसको, वो सेल्सियस स्केल होता है और उसको हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं। जैसे ये आपको ये छोटा सा एक गोल सर्कल दिख रहा है ना सी के ऊपर, ये डिग्री का साइन होता है, तो ये डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ पर ये सर्कल और एफ होगा तो वो डिग्री फेरनहाइट होगा। तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने की अलग अलग स्केल्स होती है। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस थर्मामीटर का पिक्चर जो है ये इनलार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये स्केल है क्लियर दिख नहीं रहा है और यहाँ पर उन्होंने स्केल को क्लियर मेंशन किया। तो यहाँ ऊपर देख सकते हो कि यहाँ ऊपर अलग रीडिंग चल रही है और नीचे जो है अलग रीडिंग चल रही है। जैसे कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो रूलर आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो लाइंस को मेजर करने के लिए, उसमें एक साइड अलग स्केल होता है और दूसरे साइड अलग स्केल होता है। एक साइड सेंटीमीटर में होता है और दूसरे साइड जो होता है वो इंचेस में होता है, क्योंकि वो मेजरिंग की अलग अलग यूनिट्स हैं। तो सेम वे थर्मोमीटर में हमको दो स्केल्स दिए होते हैं, सेल्सियस और फेरनहाइट। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज कि हमको कौन सी स्केल को यूज करना चाहिए, हमको सेल्सियस में मेजर करना चाहिए या हमको फेरनहाइट में मेजर करना चाहिए। तो बेसिकली आप दोनों स्केल्स को यूज कर सकते हो। सेल्सियस में जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, और जो फेरनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98 होता है। तो इसलिए अगर आप अलग स्केल यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कौन सी स्केल में कितना होता है।
अब इंडिया में जो स्केल यूज किया जाता है, जो स्टैंडर्ड जिसको माना जाता है, वो है सेल्सियस स्केल, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसमें हम पहले पहले के टाइम पर फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता था, लेकिन आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो सेल्सियस स्केल को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इंडिया ने वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है। एक्टिविटी 4.2, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, देन वन स्मॉल डिविजन कैन रीड 1/5, दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमको टेम्परेचर रीड करना है अगर थर्मामीटर में, तो उसको कैसे रीड करते, तो उसके लिए आपको स्केल को पढ़ना आना चाहिए। तो जो स्केल है उसमें सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि जो बिगर मार्क्स हैं उसमें कितना टेम्परेचर बताया गया है, दैट इज कितने डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है, और जो वो बिगर मार्क्स हैं उसके अंदर छोटे मार्क्स कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, दो बड़े बिगर मार्क्स हैं जो, उनका अगर रीडिंग जो है वो 1 डिग्री है और उसके बीच में 5 डिवीजन है, तो यू विल डिवाइड 1/5। तो एक छोटे मार्क का जो मेजरमेंट रहेगा वो हो जाएगा 1/5, इसको सॉल्व करके आता है 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपने मैथ्स में भी सीखी होगी, जब हम लाइन मेजर करते हैं, हम फोर्थ फिफ्थ से लाइन मेजर करना सीख जाते हैं, तो जब हम लाइन मेजर करते हैं, तो जब सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो जो बिग लाइन होती है उसमें वो शो करता है 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बीच में 10 छोटी छोटी डिवीजन होते हैं, दैट इज 9 छोटी छोटी लाइन होती है जो उस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब हम लाइन को मेजर करते हैं, तो अगर वो 1 सेंटीमीटर के बाद वो फर्स्ट लाइन तक आया तो उसको हम लिखते हैं 1.1, अगर वो फिफ्थ लाइन तक आया तो उसको हम लिखते हैं 1.5। द सेम वे जब हम थर्मामीटर में मेजर करते हैं, तो हमको उनको डिविजन्स को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बिगर मार्क है वहाँ पर लिखा है 36, और जो सेकेंड बिगर लाइन है वहाँ पर लिखा है 37, और इसके बीच में 9 लाइन्स है, दैट इज इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, जो फर्स्ट लाइन हो जाएगी वो हो जाएगा 36.1, जो सेकेंड हो जाएगा वो हो जाएगा 36.2। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और अगर किसी थर्मामीटर में ये डिविजन्स जो हैं वो 10 नहीं है, अगर 5 है, तो वो 0.1 नहीं होगा, वो 0.2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके टेम्परेचर को मेजर करना है। वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be stated with its unit degrees Celsius. What did you record as your body temperature? The normal body temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. आप जब भी आपको टेम्परेचर चेक करना हो किसी भी बॉडी का, तो सबसे पहले तो आपको थर्मामीटर को वॉश करना है, और जनरली थर्मामीटर को वॉश करने के लिए हमको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद थर्मामीटर को आप ढंग से पकड़ के उसको थोड़ा सा झटका दो, गिव इट अ फ्यू जर्क्स, और ये जर्क्स इसलिए दिए जाते हैं थर्मामीटर को ताकि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे आ जाए। मर्क्यूरी जो है वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करने जाते हैं। तो अब जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, जो हमने देखा था कि सिल्वर पार्ट होता है थर्मामीटर का, उसको आपको अपनी टंग के नीचे रखना है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर हमेशा उसको आपको टंग के नीचे रखने के लिए बोलता है, तो उसको रख के आपको 1 मिनट तक वेट करना है, और फिर उसके बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल के आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। और ये टेम्परेचर जो है इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया जाता है,
तो आपने अपनी बॉडी का क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी इससे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपको फीवर है, बुखार है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लाइक 37.5 है या 36.5 है, तो दैट इज़ नॉर्मल। वो हर बॉडी का अलग अलग होता है। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको बॉडी टेम्परेचर नोट करने हैं अलग अलग लोगों के। आपको एटलीस्ट 10 लोगों के बॉडी टेम्परेचर चेक करना है और आपको उनके नाम लिखना है और उनका टेम्परेचर कितना था वो आपको नोट डाउन करना है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब आप 10-15 लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या सबका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है या कुछ कम ज़्यादा आ रहा है। तो यू विल फाइंड कि हर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम है। तो जनरली क्या होता है, हम जब बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो वी डोंट मीन कि एक्चुअली एग्जैक्टली वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, लेकिन जो हेल्दी पर्सन होते उनका बॉडी टेम्परेचर जनरली क्या होता है उसका एवरेज निकाल के हम ये बोलते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन अगर वो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा कम है या ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब 37 से बहुत ज़्यादा है, 39, 30 या 40, 41, तो यू नीड टू वरी, फिर वो फीवर है एंड यू नीड टू विजिट द डॉक्टर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो जनरली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए जो थर्मामीटर पे आपको स्केल पे जो रेंज दिखेगा वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का दिखेगा। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो जनरली हमने देखा कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है और उसकी जो रेंज है वो भी 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक है। तो इट इज़ वो 35 डिग्री से अगर कम का टेम्परेचर है तो वो उसको मेजर नहीं कर सकता और अगर 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो उसको भी मेजर नहीं कर सकता। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको सिर्फ हमको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही चेक करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कभी आता है कि चलो ये बॉयलिंग मिल्क है मैं इसका चेक करूँ कि टेम्परेचर क्या है, नेवर डू दैट। आपका थर्मोमीटर जो है वो टूट सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, या अगर ज़्यादा हुआ तो वो एक छोटे से ब्लास्ट के साथ भी टूट सकता है विच मे हार्म यू। और कभी भी आपका थर्मामीटर जो है वो आपको डायरेक्ट सन में या किसी भी गर्म जगह के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा राइज हो सकता है और उसकी वजह से थर्मामीटर जो है वो टूट सकता है। सो दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ अवर चैप्टर हीट। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स ऑफ अदर चैप्टर्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एवरी वन।